हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आप हमें मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे SOL एक्स स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड ईयर की जिनका रिजल्ट हाल ही में आया था। आज से एक हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो आज उन्हीं बच्चों की बात करने वाला हूँ। तो देखिए जिनका भी रिजल्ट अभी SOL जो भी एक्स स्टूडेंट है SOL के, चाहे वो फर्स्ट ईयर को या फिर सेकेंड ईयर के, रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद वही प्रॉब्लम रही है। कई बच्चों के रिजल्ट में RA, AB और ER शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करूं उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल यानी अभिषेक की नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का देखिए रिजल्ट आने के बाद वही प्रॉब्लम रही है सेम, जो एनुअल मोड का जब रिजल्ट आया था ऑफिशियल, कि रिजल्ट में RA, AB और ER शो हो रहा है देखिए कई स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये दो सेक्शन में बांटे जाते हैं ऑफिशियली, आपका एक होता है RA और AB सेक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका ER। RA का मतलब होता है रिजल्ट अवेटेड, AB का मतलब होता है एबसेंट और आपका ER का मतलब होता है एसेंशियल रिपीट, ठीक है। तो पहले बात करता हूँ उनकी जिनका SOL एक्स स्टूडेंट में जिनका भी ER आया है, ठीक है। तो देखिए जिनका भी ER आया है देखिए उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। मैं सीधी आपको बात बता रहा हूँ, आपके पास बस सिर्फ 15 दिन होते हैं, ठीक है, 15 दिन आपको, या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होते हैं, वैसे 15 दिन होते हैं, लेकिन आपको 10 दिन में कोई ना कोई फैसला करना होगा जल्दी से जल्दी। आप मान लीजिए 7 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं तो यही कहूँगा कि 7 दिन तो शायद अब आपका रिजल्ट आया हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास 15 दिन मिलते हैं कि आपको री इवेल्यूएशन या फिर आप री चेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए री इवेल्यूएशन और री चेकिंग क्या होता है इस पर चैनल पर एक फुल फ्लैश वीडियो मैंने बना रखी है, आपकी 2 वीडियो मिलेंगी आपको, वीडियो के नीचे मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी। एक मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है री इवेल्यूएशन और री चेकिंग क्या है, और एक में मैंने आपको बताया है कि री इवेल्यूएशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। री इवेल्यूएशन का अप्लाई करने का मैंने आपको पूरा लाइफ प्रोसेस दिखाया, वही एक तरह से री चेकिंग का हो जाएगा, बस आप वहाँ पे जब फीस की पेमेंट करें वहाँ पे आप अपना री चेकिंग का ऑप्शन चुन लें री इवेल्यूएशन को ना करके, ठीक है। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप री इवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करें ना कि री चेकिंग के लिए। देखिए इनमें मैं आपको फिर भी इस वीडियो में डिफरेंस बता देता हूँ, री चेकिंग की आपकी फ़ीस होती है पर पेपर 750 रुपये और री इवेल्यूएशन की होती है 1000 रुपये पर पेपर, ठीक है। डिफरेंस इन दोनों में ये होता है, देखिए जो री इवेल्यूएशन होता है उसमें बस आपकी मार्क्स की काउंटिंग होती है, मान लीजिए आपके 30 मार्क्स थे और 33 बन रहे हैं तब भी आप पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन री इवेल्यूएशन में क्या होता है, आपका पूरा पेपर चेक करा जाता है, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपके आंसर को दोबारा पढ़ा जाता है, ठीक है, फिर आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे से कम्वर्टी किए जाते हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, जो एडवाइस दूंगा कि जिनका भी ER आया है, ठीक है, एक्स स्टूडेंट में वो एसेंशियल रिपीट आया है जिनका भी, वो री इवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करें ना कि री चेकिंग के लिए, ठीक है। और अब बात करता हूँ उनकी जिनका भी आया है आपका रिजल्ट में RA या फिर AB। जिनका भी RA या फिर AB आया है यानी कि जिनका भी रिजल्ट अवेटेड और अब्सेंट हो रहा है, उन बच्चों को क्या करना है सुन लीजिए। देखिए आपके लॉगिन डैशबोर्ड में आपको एक स्पेशल लिंक मिल रहा होगा, अपनी जो आंसर शीट थी आपने उस टाइम अपलोड की थी वही री अपलोड करने का, ठीक है। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो अभी कोई कंफर्म नहीं है, आप जब तक चाहें अभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर मत करिएगा। और अभी जो खबर आ रही है सामने वो यही है कि आपके सामने शायद अभी 1-2 पेपर का ही अपलोड करने का आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपकी 3 में है तो लेकिन 3 का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये कोई साइड फॉल्ट है, आप इसकी चिंता ना करें, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। अगर आपकी 1 में है तो बेटर ही है ताकि आपका आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपका जो भी RA या फिर AB आया आपका, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके लॉगिन डैशबोर्ड में आप जाएंगे और अपनी कुछ ऐसी तरह से आपको एक फ़ाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अपनी जो फाइल है उसको चूज़ फाइल पे क्लिक करके मैक्सिमम फाइल का जो साइज़ होना चाहिए वो 10 MB होना चाहिए उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपको सब्जेक्ट कोड भी देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे हो गए होंगे, जो भी RA या फिर AB वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर ER वाले स्टूडेंट्स हैं। ER वालों को री इवेल्यूएशन या री चेकिंग ही मिलता है और RA और या फिर AB वाले स्टूडेंट्स को इसी का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, अपने पोर्टल पे जाके अपलोड करने का। एडमिशन फॉर्म की बात आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, आपके एडमिशन कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी चैनल पे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट है वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कट करके पूछ सकते हैं। री इवेल्यूएशन वाली वीडियो जरूर देखिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई भी करता हूँ अपने मैसेजों को, आपके मैसेजों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।